बंगाली सिनेमा की तरफ से सेकंड पैन इंडिया फिल्म आ रहा है जिसका नाम है बाघा जतिन स्टाइल। को ये फिल्म एक बायोपिक है जो कि बेस्ड है फ्रीडम फाइटर जतेंद्रनाथ मुखर्जी पे, एंड इसको काफी कमर्शियलाइज किया गया है क्योंकि अब देव है तो वो वहाँ के सुपरस्टार है तो लोग उनको उस अंदाज में भी देखना चाहते हैं। लेकिन उसी अंदाज के साथ साथ देव जी ने ये अच्छा एक कहानी भी लाने का ट्राई किया। अब मेरे को एक चीज और अच्छा लगा कि ये लोगों ने वो कहानी पैन इंडिया पे नहीं लाई जो टिपिकल सी रही या रेगुलर सी रही, ये लोग वो फिल्म पैन इंडिया पे ला रहे जिसकी कहानी एक्चुअली में सारे लोगों तक पहुंचनी चाहिए, एंड लोगों को ये भी पता चल जाए कि भाई सबसे बॉलीवुड और साउथ ही नहीं है, बंगाली इंडस्ट्री भी है मार्केट में। सो द आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग दिस फिल्म टू द पैन इंडिया लेवल इज ग्रेट। एंड वैसे भी सारे बैरियर्स हटे हुए जमाना हो गया, लोगों को बस अच्छी फिल्म की एक छोटी सी चिंगारी भी मिल जाए ना, पता भी चल जाए कि ये फिल्म अच्छी है तो दे डोंट केयर, वो लोग छक मार के चले जाते देखने के लिए। आप देख लो कांतारा वांतारा सबका इम्पैक्ट आप जानते ही हो। और दूसरी बात ये कि आज मैं जब इसका हिंदी डब टीजर देख रहा था तो मुझे ये फील ही नहीं हुआ कि भाई साहब मैं इस एक्टर की ये पहली फिल्म देख रहा हूँ, ऐसा फील ही नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है कि यार मैं देखा हूँ, मैं जाना हूँ। तो ये प्रॉमिस देता है ये टीजर और ये अच्छा फील कराता है। प्लस रीजनल सिनेमा के हिसाब से इतना क्वालिटी वाला टीजर भी आता है। इनफैक्ट बैकग्राउंड स्कोर जो चल रहा है ऊपर से वो जो लास्ट में एक एक शॉट्स देखने मिलता है, फिल्म का ग्लिम्स देखने मिलता है, दैट इज डोप।